अनलॉक एक की घोषणा से ठीक एक दिन पहले यानी 31 मई को गाजीपुर पुलिस महकमे में व्यापक फेरबदल देखने को मिले हैं। जिले के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ओपी सिंह ने कई लोगों के कार्याधिकार में बदलाव करते हुए बेहतर पुलिसिंग के लिए कुछ फैसले लिए हैं। आइए आपको उनके फैसले के बारे में बताते हैं, साथ ही ये भी कि पुलिस विभाग में किसे कहां से हटाकर कहां की जिम्मेदारी दी गई है। आपको बता दें कि सुधीर त्रिपाठी प्रभारी यातायात को अब थानाध्यक्ष सादात बना दिया गया है। प्रभारी निरीक्षक सुहवल की जिम्मेदारी संभाल रहे संजय वर्मा अब प्रभारी निरीक्षक शादियाबाद बनाए गए हैं। प्रभारी निरीक्षक बहरियाबाद सुशील यादव को अब प्रभारी निरीक्षक भुड़कुड़ा बनाया गया है। वहीं भुड़कुड़ा से विवेक श्रीवास्तव को हटाकर अब उन्हें प्रभारी निरीक्षक सुहवल बनाया गया है। इसी तरह प्रभारी निरीक्षक सादात रविंद्र भूषण मौर्य को प्रभारी निरीक्षक सैदपुर बनाया गया है। प्रभारी निरीक्षक सैदपुर श्यामजी यादव को प्रभारी रिट सेल और प्रभारी निरीक्षक शादियाबाद सुदेश कुमार सिंह को विवेचना सेल का प्रभारी बनाया गया है। प्रभारी निरीक्षक खानपुर सुनील कुमार सिंह को प्रभारी मीडिया सेल और उप निरीक्षक अश्विनी दुबे को प्रभारी चौकी राजागंज कोतवाली से थानाध्यक्ष खानपुर बनाया गया है। वहीं उप निरीक्षक राम निवास थाना बिरनो से थानाध्यक्ष बहरियाबाद बनाए गए हैं। उप निरीक्षक प्रवीण यादव को चौकी प्रभारी खुदाईपुरा से प्रभारी यातायात बनाया गया है। उप निरीक्षक तरुण श्रीवास्तव को थाना सादात से चौकी प्रभारी राजागंज थाना कोतवाली बनाया गया है। गाजीपुर की ऐसी ही खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।